SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये इस वक्त की बड़ी खुशखबरी, क्वार्टर फाइनल में जापान की यामागुची को हरा दिया है पीवी सिंधु ने। तो देश की बेटी का शानदार प्रदर्शन, पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह कर ली है पक्की। ये बड़ी खबर, क्वार्टर फाइनल में जापान की यामागुची को हरा दिया पीवी सिंधु ने। टोक्यो ओलंपिक से ये एक और बड़ी खुशखबरी, पीवी सिंधु ने अपना मुकाबला जीत लिया है। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। ओलंपिक में पीवी सिंधु सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में जापान की खिलाड़ी को उन्होंने हरा दिया। शानदार मैच में जबरदस्त खेल का प्रदर्शन पीवी सिंधु की तरफ से, देश का नाम रोशन किया है एक बार फिर पीवी सिंधु ने, और यह मुकाबला जीत लिया है। क्वार्टर फाइनल में जापान की यामागुची को उन्होंने हरा दिया। तो ओलंपिक में पीवी सिंधु अब सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। पदक की उम्मीद जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है पीवी सिंधु से। जापान की यामागुची को एक मुश्किल मुकाबले में उन्होंने हराया। शानदार खेल का प्रदर्शन पीवी सिंधु की तरफ से, और अब वो सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। और शिवेंद्र सिंह इस वक्त हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। शिवेंद्र, निश्चित तौर पर शानदार खेल का प्रदर्शन पीवी सिंधु की तरफ से, सेमीफाइनल में वो पहुंच गई हैं, आगे क्या? आगे अब सेमीफाइनल मुकाबला होगा और उसके बाद अगर वो जीत जाती हैं तो निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि वो फाइनल में जाएंगी, यानी वो दावेदार हो जाएंगी गोल्ड मेडल या फिर सिल्वर मेडल की। और अगर वो सेमीफाइनल में हार जाती हैं तो फिर ब्रॉन्ज मेडल के लिए, यानी तीसरे पायदान के लिए एक मैच होगा। अगर हम देखें मोटे तौर पर तो वो पदक से अभी दो कदम दूर हैं, दो कदम बाद उनको गोल्ड मेडल भी मिल सकता है और दो कदम बाद उनको ब्रॉन्ज मेडल भी मिल सकता है। ये देखना होगा कि वो कहां तक पहुंचती है। यानी सेमीफाइनल में पहुंचने का ये मतलब नहीं है कि ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने नाम कर लिया। ब्रॉन्ज मेडल जीतना है तो भी एक मुकाबला भी और बचता है। यानी शिवेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बैडमिंटन के नियम बॉक्सिंग के नियमों से अलग होते हैं और ओलंपिक के नियम के हिसाब से जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, यानी जिसमें हम आमने सामने लड़ाई करते हैं किसी से, उनमें ये नियम होता है कि सेमीफाइनल में अगर दो खिलाड़ी पहुंचे हैं तो दोनों को, हारने वाले दोनों ही खिलाड़ियों को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, जिस आधार पर लवलीना का मेडल पक्का हुआ आज सुबह। लेकिन बैडमिंटन के नियम ये कहते हैं कि ब्रॉन्ज मेडल के लिए भी मैच होगा, तो अभी मेडल पक्का नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पीवी सिंधु ने आज ये मैच जीता है उससे ये कहा जा सकता है कि अभी उनसे उम्मीदें कायम हैं, बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ी हैं इस मैच के बाद। जापान की यामागुची को उन्होंने हराया, मुकाबला कैसा रहा? समीर, पहला सेट, पहला गेम जो था अगर वो हम देखें तो उन्होंने 21-13 से जीता, तो ये लग रहा था कि जो उनकी ओपोनेंट है यामागुची उनको उन्होंने काफी थका दिया है और वो दूसरे गेम में भी बहुत इजीली उनके लिए रहेगा कि वो उसको अपने काबू में करें। लेकिन दूसरे गेम में जिस तरीके से यामागुची ने वापसी की, 22-20 तक मुकाबला गया, तो ये दिखाता है कि जो कहते हैं ना कि जब लंबा खेल होता है जो ज्यादा देर तक अपनी फिटनेस के भरोसे मैच में बना रहे, वो काम पीवी सिंधु ने किया। तो ये जीत का जो श्रेय है खिलाड़ी को, दूसरे खिलाड़ी को थकाकर आप जब जीतते हैं, और कोर्ट को उन्होंने बेहतर तरीके से कवर किया। दूसरे गेम में हमने देखा कि यामागुची कई बार ऐसा लगा कि वो फ्रस्ट्रेशन में आ रही है और जानबूझकर उनसे गलतियां हो रही हैं, तो इस तरह की चीजें देखने को मिली। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो आने वाले मैचेस हैं उसमें अभी पीवी सिंधु से इस इतिहास को रचने की उम्मीद रखनी चाहिए कि पिछले ओलंपिक्स में भी वो सिल्वर मेडलिस्ट थी, और ख्वाब हर ओलंपियन का यही होता है कि अगर वो अपने मेडल का रंग बदले, तो अगर उम्मीद रखनी चाहिए कि वो अपने मेडल का रंग बदलने में सफल होंगी, और ऐसी शुभकामनाएं भी देनी चाहिए उनको। और जिस बेहतरीन खेल का परिचय पीवी सिंधु दे रही हैं, जिस शानदार फॉर्म में नजर आ रही हैं, साफ तौर पर गोल्ड की उम्मीद की जा सकती है। शिवेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही कहा कि जिस तरीके से पीवी सिंधु ने पिछले ओलंपिक्स में भी, जब उनका जो कहते हैं ना कि ओलंपिक्स का मेडल, आप देखिए, आप दीपिका कुमारी को देखिए, उनके पास दुनिया के सारे मेडल्स हैं लेकिन उनके पास ओलंपिक नहीं है। आज भी वो किस तरीके से चूक गई, तो होता क्या है कि ओलंपिक का मेडल एक अलग मेडल होता है, उसकी जो चमक है वो अलग ही होती है, और जिस तरह से पीवी सिंधु खेल रही है, निश्चित तौर पर उनका इरादा यही है कि जो सिल्वर मेडल उनकी किटी में है उसको वो गोल्ड में तब्दील करें। मुश्किल होगा क्योंकि चुनौतियां और बढ़ती जाएंगी, लेकिन खेल भी और निखार आता है, खेल में भी और निखार आता है, और पीवी सिंधु इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार है।
और पीवी सिंधु के अभी आगे के जो मुकाबले हैं उनके बारे में क्या आप दर्शकों को बताना चाहेंगे शिवेंद्र, किन किन खिलाड़ियों से उनका मुकाबला होना है और कितने मुश्किल रहने वाले हैं ये मुकाबले? अभी ये आया नहीं है, जो सेमीफाइनल में उनका मुकाबला किससे होगा ये भी टीबीडी यानी टू बी डिसाइडेड है। 31 तारीख को होगा हम ये बता सकते हैं। और वो दूसरा सेमीफाइनल होगा, जो पहला सेमीफाइनल होगा उसमें चाइना की दो खिलाड़ी आपस में लड़ेंगे, और जो दूसरा सेमीफाइनल है उसकी एक प्रतिभागी के तौर पर पी कश्यप होंगी, लेकिन दूसरे का मुकाबला अभी चल रहा होगा क्वार्टर फाइनल, उससे जो जीतेगा वो यहाँ पर आएगा। लेकिन ये तय है कि अगर सेमीफाइनल में जीत के बाद पीवी सिंधु पहुंचती हैं फाइनल में तो मुकाबला उनका चाइनीज खिलाड़ी से ही होगा, दूसरे सेमीफाइनल में दोनों ही खिलाड़ी चाइना के हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। तो निश्चित तौर पर भारत की मेडल की उम्मीद बढ़ी है, एक और बड़ी खुशखबरी आप इसे मान सकते हैं, सीधे तौर पर क्वार्टर फाइनल में जापान की यामागुची को हराकर सेमीफाइनल तय कर लिया है पीवी सिंधु ने, और पीवी सिंधु सेमीफाइनल में पहुंच गई है, मेडल की उम्मीद बढ़ी है। हालांकि बैडमिंटन के नियम मुक्केबाजी के नियम से अलग हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सेमीफाइनल में वो पहुंच गई तो ब्रॉन्ज पक्का हो गया। अगर ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल करना है तो एक मुकाबला और बचता है जिसमें जीत हासिल करनी होगी पीवी सिंधु को, लेकिन निश्चित तौर पर गोल्ड मेडल की उम्मीद पीवी सिंधु से आज के इस मुकाबले में जीत के साथ ही बढ़ गई है।